गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। धन धन सत आले भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत वाले धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की कह कर जोड़ दीन धर्म दास दरस दे पूर्ण करियो आस, कह कर जोड़ दीन धर्म दरस दे पूर्ण करियो, समेट जो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले, मेट जो जन्म मरण की तरह सत्य पद प्राप्त कराने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत रे भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ वाले धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने सत साई। अब आपने सुना ये दंदन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, वही धर्मदास जो पहले मान के ना दे था, जो कहता है भगवान मुझे छोड़ा, हम तो भूल में जीव कर दिया। कहते हैं आप तो दुनिया के दुख दूर करने खातिर आए थे दाता, और दुख दूर करके हमारे को सतलोक ले जाने के लिए आए थे। हम इतने अंधे हो लिए इस अनदान ज्ञान के अंदर, और मोह ममता में हमारे लीला थोथा भर दिया इस काल गली ने। हमने आंख नोके नहीं दिखे पर दिखता कुछ को ना, जैसे मोतिया बंद हो रहा हो, और आपकी कृपा हुई दाता आपने टुकर मेर की हमारे पर, आप सुख सागर हो। अब हम आपको बताओ कि हम नाम कबीर साहब का देते, हमारा कबीर भगवान है, हमारा इष्ट सतपुरुष है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, और कबीर साहब है उनका एक नाम देते हैं। आज भी आपको कम से कम 2000 केस 2000 ऐसे प्रमाण दूंगा, एक पुस्तक छपवा रहे हैं, उसमें सबके फोटो और नाम गाम होंगे। कोई ना सबका माना कि हमारा दिन सत्य मार रखे होंगे, नहीं, और लिखने भी भूल जाओगे इतने होंगे। अब ये सामने एक लड़का ये बैठा दराना से खड़ा हो प्रवीण एक बार इधर आजा, अब इसकी फोटो इसके लिए गरीब ले तारा बंद ना कर इधर देख बैठे पैसे टिकाने। ये सामने इसका नाम प्रवीण है, इसके पिताजी का नाम महेंद्र है, वो मेरे ख्याल आया नहीं अभी, कल आया था। इस लड़के को 1-1.5 साल का था जब इसको गड़बड़ हो गई थी, हाथ पांव इसके बंद दौरे पड़ा करते थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बैठ जा बैठे जाकर सारे उसने सब जगह दिखा लिया मेडिकल, फिर सियाणा के चक्कर में बढ़ता है। उसने अपना इंटरव्यू दिया था सोनीपत के सत्संग में, ऐसे हम खुला समागम कर रहे थे, जो बोला जी मेरा जितना दुखी जीव धरती पर नहीं था। इस लड़के की चिंता और पानी की तरह पैसा लग गए। इसके मामा हैं दामड़ गांव में, और दामड़ में हमारा भगत सर एक सतदेव सन्नोफ जयदेव, वो काल भी आ रहे थे आज भी आए हमारे ख्याल में, तो वहां पर ये इसकी मां वहां की लड़की होगी, तो उन्होंने वहां कई ऐसे सुख दिए दाता ने, तो वह लड़की को संदेशा भेजा, तो एक बार उस लड़के ने यहां लिया
ये अभी पिछले साल की, यानी एक साल भी नहीं हुआ, 8-9 महीने की बात है, जब वो ले आई, ले आई तो कहने लगी, जी माँ बेबे ऐसे ऐसे बात है, तने कोई दो पुजोर नहीं करनी, ना कोई माता पूजनी, ना व्रत रख ले। बोले जी मैं तो इतने कर लिए, और दुख में और गणे दो बता दे, वो ही कर लिया, सैने भी खूब देख लिए, कति आस पास के कुछ सैने भी नहीं छोड़े। इसके पिताजी ने बताया उस अपने इंटरव्यू में, कहने लगा जी एक आदमी ने 11,000 रुपये मांगे मेरे तह, अब तेरा लड़का ठीक हो जाएगा, इसको ओपरा हो रहा था। मैं बोला भाई गारंटी ले ले और 11,000 दे दूंगा। मैं बोला गारंटी कति नहीं, ये तो 11,000 पहले हैं और बाकी एक लड़की में हमारी पोती में वो आवश है, जो भी चीज आवश है वह मांगेगी, वो नारे देने। तो बोला सारे दे दूंगा, क्योंकि बालक का मोल कुछ नहीं होता, बच्चे खातिर करा के कर दे इंसान, अपने जायदाद भी बेच सकता है। तो जी मैंने वो भी उठ लिए, इन्होंने बोला मेरा गारंटी कुछ नहीं, और भी कई जगह अंडा किधर 2,500 की, 5,000 की, 2100, ये बर्बाद होकर लाखों रुपये, 12 साल को थोड़े नहीं होते 11 साल। तो हमने कहा वे बात सुन ले, हमारे पास ये एक भगवान कबीर साहब तो हमारा भगवान है, और ये तो मुफ्त का इलाज है, इसमें कुछ नहीं लग गया आपका, एक नाम देंगे आप वजन कराया करियो। इसकी हालत जब उसमें का फोटो होता ना, आप हैरान रह जाते, ये थोड़ा ऐसे हो कुकर गया। इसको उठा के लावत ही वाकती ने पकड़ के, क्या हमें धरके लाना पड़ा था, लड़का इसी बुंडी हालत हो जाती, दौरे पड़ा करते थे, दिन में 2-2 भी पड़ जा, इधर चल नहीं सकता, वहां टट्टी पेशाब निकल गया। तो वहां सारे परिवार ने नाम लेना पड़ेगा आपको, बीड़ी शराब मांस तमाकू गर्म नहीं होगी। तो इस लड़के ने उसकी मानत नाम ले लिया, उसी समय उसका पिताजी मान्या को लिया, क्यों बेचारा दुख पा लिया सारे हंड के। उन्होंने बोला तुमने ठगाई मान जाएगी, इसका कोई इलाज नहीं, इसका मरे पांडा छूटेगा, इसने तो कितना मत ले जाए। उसने हुक्का बीड़ी नहीं छोड़ी, लेकिन मालिक बंदी छोड़ने इतना सुख दे दिया कि इसका 1-1.5 महीने में पड़ने लग गया दौरा, मतलब जो दिन में 2-2 बार पड़ता था, 1-1.5 महीने में पड़ने लग गया। इतना उसको भी दिल डट गया कि भाई सह कुछ ना कुछ बात, इसकी किस्मत थी बच्चे की बचना था, और हमारा एक पाठ हो गया वहां पर धराना गांव में किसी और के घर में। तो वहां वो लड़की इस लड़के ने लेकर आई अपने बच्चे ने, हुआ ब्राह्मण की छोरी, और उसको अपने साथ में उसने पति ने भी ले आई, महेंद्र ने, महेंद्र भी आ गया, उसने सामने सत्संग सुना। तो वहां भाई बीड़ी शराब तो ना छोड़नी पड़ेगी, मेरी शराब तो जी मैं इतनी पीनता नहीं, पर हुक्का बीड़ी जरूर पीता हूं, वहां भी छोड़ना पड़ेगा। वो बोला जे को हो तो छोड़ दूंगा, मैं कहूं नहीं कि छोरा बचाना चाहता तो नहीं त्यागनी पड़ेगी सारी बीमारी, और कोई दो खुद नहीं करनी सारे घर में, अब कोई नहीं करा जी, और कसर रह रही हो तोड़ करके देख लो। वो बोला जी मैं अगर बता दू ना आपने, कहते सवामन गुड़ तमने मिठाई किधर लाडू जलेबी, ये सनका के दर लिए थे, और रात ना आधी रात ठेकरी ले ले जाकर ताको 50 बार सीम का गाय डुका लिया, नो कहे एक लिकट गया दूसरा आ गया, ये गुलाम ना एक का प्रबंध कर दिया और बढ़ गया इसमें, उनके कूपा ने अपना धंधा ढूंढ रखा था। तो उस दिन के बाद इस लड़के का कोई तकलीफ नहीं, आज 9 महीने हो गए, उतरी आंखें आ गए, और नो कहे तो पहले तो ठाए तो ना उठा था, इब इसकी माँ शिकायत लेकर आवा, नो कहे जी वाल गणी करे है जहां बता बता बोल दे बंदी छोड़, ये सुख दे दिया भगत की पीड़ मिटाने वाले, उस परिवार का कर टाल दिया बंदी छोड़ने मुफ्त में, सिर्फ एक नाम देते हैं, और नाम हमारा जब असर करेगा, जब सारे उड़ जेड़े तो दूर हो जाओगे, और दोगला काम में कोई नाम लेगा कति आराम नहीं होगा, ले यो ते मत ले यो, हमने कोई यहां पर फौज इकट्ठी नहीं करनी है, हमने आपका आत्म उदाहरण का एक विशेष मार्ग है, और आपके साल भर में ना सुख हो तो अपना कितना प्रयोग कर लिया, एक ना पैसा नहीं लेते आपसे, उन्हें सोचते ठगते हंडते होंगे, एक ना पैसा नहीं। परमात्मा की कथा करते हैं या अखंड पाठ गरीबदास जी का, इसमें चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 11 उपनिषद महाभारत गीता भागवत रामायण और सतपुरुष सतलोक की वाणी इकट्ठा ही पाठ हो जाता है। इस पाठ में अगर ठीक अपने हिसाब से कराओ तो 3,000 रुपये खर्च होते हैं, 3,000 रुपये एक साल में एक करवा ले, और 3,000 रुपये बीड़ी पीने वाला आदमी साल में बर्बाद कर देता है, बीड़ी पीने वाला, और सिगरेट पीने वाला 10,000 रुपये, और शराब पीने वाले का कोई एस्टिमेट है कोई ना 50,000 का डूंगा ठा दे 60,000 का, ये सिर्फ 3,000 रुपये भी अगर हम धर्म पर नहीं ला सकते, ये भी आपके घर में आपके आते हैं, कोई पर धर्म कराते हम कुछ नहीं लेकर आते, मुफ्त में सेवा करने जाते हैं हमारे भगतन सेवक कति अपने मुफ्त में किराया भी करते भरते हैं, इसलिए कि ये उधार हो जाए इस जीव का,
और जिस घर में यो पाठ हो जाता किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती और बेड़े पार हो जाए जब वो परिवार ठीक ढंग से नियम निभावत हो। बोल सतगुरुदेव। तो दोपहर के बाद आपको ये शब्द सुनाएंगे जो सुना था इसको खोल के, और कैसे कबीर साहब प्रगट हुए और उन्हें के खेल दिखाए। आप हैरान रह जाओगे कि ये इतनी महाशक्ति और कैसे छुपी रही, क्योंकि इसकी जानकारी हमारे तक पहुंची है कोई नहीं। बोल बंदी छोड़ मारा देव की जय। जब धर्मदास जी को ये जानकारी होगी, उसने कहा है बंदी छोड़, आपने हमारे पर यह कैसे दया करी, ये आपने ही आकर हमें यह भेद दिया ज्योत निरंजन भगवान का, जिसको हम स्वयं परमात्मा मान बैठे थे। तो क्या कहते हैं बंदी छोड़, ऐसा राम कबीर ने जाना, ऐसा राम, वो कौन सा राम, शतपुरुष राम, पूर्ण ब्रह्म राम, धर्मदास सुनिए देखाना, सुन के परे पुरुष को धामा। ये जो निरंजन की चौथी सुन है, इसके बाद सात महासुन और आती हैं, उन सुन से पार कहते हैं सतपुरुष का स्थान है। सुन के परे पुरुष को दामा, तहां बसे वो आज अनामा, वो का परमात्मा वहां रहता है सतपुरुष। ताही दाम सब जीव को दाता, मैं सबसे कहता निजबाता, रहत अगोतर सबके पारा, आज अनाति पुरुष है न्यारा। आदि ब्रह्म एक पुरुष अकेला, आदि ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म यानी कवि का जो परमात्मा है उसको आदि ब्रह्म कहते हैं। आदि ब्रह्म एक पुरुष अकेला, ता के संग नहीं कोई चेला, ताही न जाने ये संसारा, और बिना नाम सब जम के चारा। वो इस परमात्मा को नहीं मान जानते सतपुरुष को, और सत नाम बिना ये सब काल का भोजन है, जम का चारा। सतनाम बिना सब जग उड़ जाना, सतनाम गहे सो संत सुजाना, सच्चा साहे बजोरे बाई, और या जग से मैं कहूं चिताई। उस सच्चे परमात्मा यानी सत पुरुष सच्चे भगवान का भजन करो रे भाई, सच्चा साहे बजोरे भाई, यही जग से मैं कहूं चिताई, धोखा मैं जीव जन्म गवाई, और झूठी लगन लगाई रे भाई। ऐसा जग से कहूं समझाई, धर्मदास जीव बोध दो जाई, सजन जीव आवे तुम्हारे पासा। जो भगवान आत्मा है धर्मदास वो तेरे पास आ जाएंगी और इस बात को स्वीकार कर लेंगी कि पूर्ण परमात्मा यही है, और जिसमें काल का प्रभाव ज्यादा है वो इस बात को नहीं मानेंगी तेरी को। ऐसा जग से कहूं समझाई, धर्मदास जीव बोध हो जाई, जीवों को समझाओ, बोध माने ज्ञान देना, और सजन जीव आवे तो पासा, और जिन्हें देवो सतलोक ही बासा, उसको हम सतलोक में निवास दे देंगे, तो तेरे पास सच्ची भावना करके आ जाएंगे। बरम गए वे भाव जल माही, ये बेचारी भोली आत्मा इस काल ने भ्रमित कर रखी है। बरम गए सब भाव जल माही, और सत नाम को कोई जानत नाही। पीतल पाथर पूजन लागे, पीतल यानी पत्थर, ये पूजन लागे, कि मूर्ति बना ली, कि पीतल की बना ली, कहीं पत्थर की मूर्ति बना के इसको पूज रहे हैं अनजान आत्मा। पीतर पाथर पूजन लागे, आज नाम घट ही से त्यागे, तीर्थ व्रत करें संसारे, नेम धर्म स्नान सकारे। कोई तीर्थ पर जावे अनजान आत्मा, और कोई व्रत करती है, कोई नेम धर्म में उलझगी, इस प्रकार ये पूर्ण
लाभ प्राप्त नहीं करती और 84 में चक्कर खाती रहती है। फिर ये महात्मा बन गए भेख बना के, भेख बना विभूत रमावे, भूत नारी यानी आकृति बना ली, किसी ने लाल कपड़े पहन लिए, किसी ने कान पड़वा लिए, कोई त्रिशूल का बोझ मरता हंड है और कोई कुछ खाता है पीता, कोई ना कोई तपस्या करे खड़ा होकर, कोई बैठ कर, कोई उल्टा सिर करके। कहते हैं ये काल ने आल ला रखे सारे के सारे, उस काल बली ने इनको उल्टा रास्ता देकर फिर लख 84 में ऐसे गरीबदास कबीर साहब बता रहे वो ठोक देता है। बेख पना विभूत रमावे, बभूत यानी राख रमाली सारे शरीर पर, गरगर भिक्षा मांगण आए, जग जीवन को दीक्षा देही और सत नाम बिन पुरुष द्रोही। वो बेचारी भोली भाली आत्माओं को, वो आप भी गुमराह प्राणी, वो संत आत्मा और अपने अनुयायियों को भी गलत मार्ग दे रही हैं, इसलिए वो सतपुरुष के द्रोही हैं, वो काल के दूत बता दिए कबीर साहब ने। जग जीवन को दीक्षा देही, दीक्षा कहते नाम दान देते हैं, और सतनाम बिन पुरुष द्रोही, जो सतनाम नहीं देती वो सतपुरुष सतलोक प्राणी जा नहीं सकते और वो पुरुष यानी सतपुरुष के द्रोही हैं। अब कई भाई कहते हैं कि हमारे गुरुजियां ने 5 नाम दे रखे, उनमें सतनाम भी है, सतनाम सतनाम जाप करते हैं हम उसके साथ ही, ऐसा नहीं, वो सतनाम एक मंत्र न्यारा है, वो सच्चा नाम कहो सतनाम कहो उसको आदि नाम कहो, वो न्यारा है, उसका जाप भिन्न है। ज्ञानी ज्ञानहीन जो गुरु कहावे, बिना ज्ञान के बिना पूर्ण जानकारी के पूर्ण उपलब्धि उसने स्वयं नहीं कर ली, और वो गुरु कहावे अपन भूला जगत बुलावे, आप तो भूले भूल रहा है इन भोली आत्माओं को भी गुमराह कर रहा है। ऐसा ज्ञान चलाया भाई और सत साहेब के शुद्ध विसराही, साहेब माने परमात्मा, सत माने सच्चा, वो सच्चे परमात्मा पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की यानी शुद्ध विसराही वो ज्ञान खत्म कर दिया। या दुनिया दो रंगी भाई, या दुनिया दो रंगी भाई, जीव गए शरण असुर की जाई। जो संत नौके तीर्थ कराया करो, व्रत रख लो और मूर्ति पूजा मंदिर में जरूर जाया करो, कहते उनकी जाकर जरूर शरण आप प्राप्त कर लेते हैं, और कोई नौके इस बीमारी से दूर हो जाओ, इसने हटा दो अपने ऊपर से जो आपने इतना लदीना लाज रखा, और उससे ज्यादा लाभ पाओ, पर ये ना मानते। और ले भी ले हैं तो दोनों डरते डरते उसमें भी पूजे जाएंगे और उसमें भी पूजे जाएंगे, तो कोई से का लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। ये दुनिया दो रंगी भाई और जीव गए शरण असुर की जाई, तीर्थ व्रत तप पुण्य कमाई, ये जमजाल कहां ठहराई। ये काल का जाल बता दिया कि ये तीर्थ और व्रत ये काल का जाल है भाई। ये जग ऐसे उर्जाई, नाम बिना डूबी दुनियाई, जो कोई भक्त हमारा होई और जात वर्ण को त्याग गए सोई। जो हमारा हंस होगा वो हिंदू मुड़ जाए ना मुसलमान बने, ना ईसाई कहावे ना सिख, वो एक परमात्मा की प्यारी आत्मा कहलावेगा और वो मानव मनुष्य का पूर्ण लाभ प्राप्त कर लेगा। जो कोई भक्त हमारा होई जात वर्ण को त्याग गए सोई, तीर्थ व्रत सब दे बहाई, इन सब न बगा दे ठाक है तीर्थ व्रत आदि को, और सतगुर शरणा सतगुर चरणा ध्यान लगाई। मन ही बांध सतर जो कर ही सो हंसा भव सागर तरही, करड़ी सी छाती करके और करड़ा दिल करके और सब ने एक लो दर दे ठाके दे देवता ने, और बंदी छोड़ के चरणा में पूरा लौला दे, कहते फिर उनका उद्धार होगा भाई। मन ही बांध सथिर जो करी, मन को डांट के यानी एक एक उसमें लादे बंदी छोड़ के चरणों में, सो
मन ही बांध सथिर जो कर ही सो हंसा वो सागर तेर ही भगत होवे सतगुर का पूरा रह पुरुष के नित हजूरा। यही जो रीति साध की भाई सार युक्ति में कहूं गौराई। सत्य नाम निज मूल है यही कब कह कबीर समझाए, दोए दीन खोजत करे वो परम पुरुष नहीं पावे। गह नाम सेवा करे सत नाम गुण गावे, सतगुर पद विश्वास दृढ़ भाई सहज परम पद पावे। ऐसे जग जीव ज्ञान चलाई, धर्मदास तो एक कथा सुनाई। यही जगत की उल्टी रीति, नाम न जाने काल से प्रीति। वेद रीति सुनियो धर्मदासा, मैं सब भाक कहूं तो पासा। वेद पुराण में नाम नहीं बाख्या, नाम ही बाखा। वेद लिखा जानो सब साखा, छह शास्त्र मिल झगड़ा की न्या, ब्रह्म रूप किन होनी चीन्या। छह शास्त्र यहाँ के पूर्ण, उनमें कोई से का विचार कोई से गिला नहीं मिलता। आपस में झगड़ा की न्या, यानी फिर जीव के समझे। एक शास्त्र कहते निराकार है, दूसरा कहते नहीं उसका आकार है कोई न्या। एक कहता है आकार भी है निराकार भी है, फिर साधना गलत बताती है। छहू शास्त्र मिल झगड़ा की न्या, ब्रह्म रूप किन होना चीन्या। चिन्या हो सो दूसर होई, ब्रह्म विवाद करें सब कोई। अगर वो एक तो ब्रह्म कहे उसको और निराकार बतावे, और फिर नो का हमने देखा और देखा है तो दूसरा होई, फिर वो ब्रह्म नहीं। उसका आकार तुम कहो हमने देखा तो, और वैसे ब्रह्म कहो वो निराकार। देखा है तो दूसर होई, ब्रह्म विवाद करें सब कोई। वाद विवाद ब्रह्म के अंदर ही कर रहे हैं। मूल नाम का मूल नाम का होना पाए, शाखा पत्र सब जग लपटाए। मूल नाम यानी असली पूर्ण परमात्मा का सतनाम नहीं मिला, और सब शाखा और पत्रों का यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवता के लपटे पड़े थे। डार पत्र जो कोई धर ही निश्चय जाव नरक में पड़ी। कल बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है भाई, निरंजन उसकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और कहते हैं उन डारा पर शाखा से आगे फिर डार हैं, डार कहते हैं देवी देवता डाली। डार पत्र जो कोई धर ही निश्चय जाव नरक में पड़ी। देवी देवताओं की पूजा करने वाला प्राणी सीधा नरक में जाता है। और यही नरेंद्र जी ने गीता जी में ज्ञान दिवाया है भगवान कृष्ण के माध्यम से कि जो देवी देवता पूजते हो प्राणी पार नहीं हो सकते। बोले लोग कहें हम पावा, मूल वस्तु बिन जन्म गवावा। जीव अभाग्य भूल नहीं जाने, जीव अभाग्य मूल ना जाने, डार पत्र में पुरुष बखाने। ये कहते हैं अभागी जीव बेचारे गलत मार्गदर्शकों के पास जाके और इन्हीं को भगवान मानते हैं। डार पत्र में पुरुष बखाने, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं। ये पूर्ण नहीं है, पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष है। पढ़े पुराण और वेद बखाने, सत्य पुरुष जग भेद न जाने। वेद पढ़े और वेद न जाने, नाहक ये जग झगड़ा ठाने। वेद पुराण कहे पोकारा, सभी से एक पुरुष नियारा। वो वेद भी कहे कि हमारे से भी इनसे भी एक सब ऊपर एक परमात्मा है, वो सतलोक में रहता है, पर उसका वेद ये पकड़ते कोई ना। और गीता जी में स्वयं लिखा है, एक जगह तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा ध्यान धर तू अर्जुन, और अनन्य मन से मेरा भजन कर, मैं तेरा जन्म मरण मिटा दूंगा। आगे कहते हैं कि भाई जन्म मरण इतने मिटेगा जब तक ये कल्प के अंत में महाप्रलय ना होती। जब महाप्रलय होगी सभी लोक परलोक खत्म हो जाएंगे, ब्रह्मा शिव विष्णु आदि के लोग सब समाप्त होंगे, और उस समय ये सारे जीव चाहे कोई स्वर्ग में है और चाहे कोई भैया मृतमंडल में चाहे नरक में, सब खत्म हो जाएंगे। ना शिव का लोक रहे, ना ब्रह्मा का लोक रहे, ना विष्णु जी का। तो उस समय सभी प्रकृति में लीन हो जाएंगे।
इन प्राणियों को दोबारा फिर सृष्टि रचि जाएगी, वो सभी इधर प्रहलाद समेत वापस इस मृत मंडल में आ जाएंगे, चाहे वो किसी धर्म के मोक्ष प्राप्त हैं, वो सब फिर चक्कर ऐसे ही काटेंगे। वेद पढ़े और वेद न जाने, नाहक ये जग झगड़ा ठाने, वेद पुराण ये कहें पुकारा, सभी से एक पुरुष नहीं आ रहा। सभी कहते हैं कि इन सब से ऊपर एक ईश्वर और है, और गीता जी में स्वयं कृष्ण जी ने कहा है कि अर्जुन उस परम पिता परमात्मा का तू ध्यान धर जिससे सारी सृष्टि रची और सभी प्राणी वहीं से आए और वही सबका संचालक है। इसका स्वाभाविक जाप करने से तू परम धाम को चला जाएगा, परम धाम यानी शतलोक को। अपने से भी ऊपर तीन चार श्लोकों में डायरेक्ट उसने कहा है कि इस इन सब से ऊपर एक और ईश्वर है भाई। ताही नहीं ये जग जान भाई, तीन देवों में जान लगाई, तीन देव की कर है भक्ति, जिनकी कदे ना हो मुक्ति। ये कबीर साहब बोल रहे भाई, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति, तीन देव का अजब ख्याला, देवी देव पर पंची काला, इनमें मत भटका अज्ञानी, काल कपट पकड़ेगा प्राणी, इनमें मत भटको अज्ञानी, काल झपट पकड़ेगा तेरी जीव ने, तेरे प्राण ने पकड़ दे जाएगा और लक चौरासी में डाल देगा। तीन देव पुरुष गम ना पाई, जग के जीव सभे फिरे बुलाई, इन तीन देवताओं ने सतपुरुष की ज्ञान नहीं है और इनका आधार पर ये जीव बेचारे यहीं पर उलझ कर रह जाते हैं। ऐसा सबसे कईयो तीन देव पुरुष गम ना पाई, जग के जीव सब फिरे बुलाई, सब भूले फिरते बेचारे बड़ी बड़ी आत्मा, जो कोई सतपुरुष गए भाई, जाके देखे डरे जमराई, जो कोई सत नाम गए भाई, ताको देख डरे जमराई, जो सत नाम ले लेगा उसको देख के ये जमराई, राई कहे मालिक, काल यानी महाकाल इस नाम के आगे भाग लेता है, उससे डरता है। रूप देख भरमो नहीं, कहे कबीर बिचारे, अलख पुरुष हर दलख है, सोए उतरे पारे, जो जो वस्तु दृष्टि में आई, सोई सभी काल धर खाई, मूर्ति पूजे मुक्त ना होई, नाहक जन्म अकारत खोई। मूर्ति पूजे भाइयों का मुक्ति कति ना हो, और खाम खा जन्म बेगार आप धोके जाओगे, खो के जाओगे। इसी प्रकार आगे बंदी छोड़ गरीबदास जी प्रमाण देते हैं, माया आज निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। ये आज निरंजन, ये ज्योत निरंजन कहते ये माया से भाई, इसने हमें यहां पर मोह जाल में इस अपनी माया छोड़कर ऐसा उलझा दिया, और अपने जाए आप खाई। अब उससे क्या हम पुत्र हैं, क्योंकि उसने हम यहां पैदा कर रखे, और एक न बख्शे ना, बताए क्या क्या खातर भेजे यहां पर हमारे को। माया आज निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला, शिखर सुन में धर्म अन्यायी, दिन शक्ति दायन मैल पठाई। शिखर सुन में आखिरी सुन चौथी सुन है, शिखर कह चोटी में आखिरी सुन चौथी सुन है, तीन सुन की इतना विस्तार है कि शंकर भगवान भी 97 बार कोशिश करके आखिर में ये कह दिया कि उसका पार नहीं पावे। वेदों ने भी ये कह दिया कि नेति नेति ने इति ना इति, इति माने समाप्त, भाई हमने जितना ज्ञान था वो लिख दिया, पर उसका पार किससे नहीं पावे, वो इतना है को नहीं, और भी बहुत गुना से आगे हम नहीं जानते। कहते हैं वेद नेत कह नितहार है, और वहां सतगुर पार उतारे, वेद भी जहां नेति कह के खत्म कर देते हैं, उसको कहते हैं हमारे बंदी छोड़ अपने नाम आधार पे, और उससे पार ले जाते हैं। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, हम तो भगवान कहें उसको, और बंदी छोड़ उसको अन्यायी कहता है। मां का बेटा एक हो और दो हो, दोया गिटाड़ को ना, पति ठा लिया और फिर बेटे का नंबर ला दिया, कि तब मां ठा ली
बाल ग्रोन ध्यान दो, अन्यायी बताया बंदी छोड़ने कि इसके अन्याय नहीं है। शरीफ आदमी भूखा मरे और जो बकवाद करनी ठाठ करे, पता यहां कौन सा नीति ठीक है। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। ये माया डायन, माया कोई औरत नहीं है, राज भी माया है, ये जायदाद भी माया है, पुत्र भी माया है, क्यों जिसमें उलझ गया हुआ है माया, और कारण कोठी भी माया है। ये सब मोह ममता जोड़ जादी, ये माया से जिसमें मोह हो जावा माया ते क्या है मोह जाइयो। एक ऋषि था जड़ भरत, उसका हिरण के बच्चे मोह हो गया, उसके लिए वह माया बन गई, आखिर में उसमें ममता रहेगी, कहते हिरण का पैदा हो गया। लाख ग्रह से नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती। 1,00,000 ने का सुच्चा उठ दू निरंजन खा लेता है। और यहां पर करलाट मात्रा से सिर फोड़ फोड़ कर उसका महीना और 13 भी मनन लाग रही, और वो अपना मौज मस्ती वहां पर अपने 4th सुन में निरंजन लोक में आनंद मना रहा था। लाख ग्रह से, लाख ग्रास माने खाना, 1,00,000 एक बार रोज खाता है निरंजन। लाख ग्रह से नित उठ दूती, माया आज तकत की कुची। 1,25,000 घड़िए नित बंडे, अनसा उत्पत्ति पर ले डेंडे। 1,25,000 जीव नो कह ब्रह्मा द्वारा रोज बनवा दे। मनुष्य और 1,00,000 रोज खा ले, ये तीनों चेला बट पारी। सरजे पुरुषा सरजी नारी, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं निरंजन अधीन होकर बेचारे, इनकी भी पार नहीं बसानती, इन्हें सोध ये नहीं आन देता, वो सतमार्ग ताही पहुंचन नहीं देता। जब शिवजी ने कोशिश करी वेद आधार पर, ब्रह्मा ने कोशिश करी, दर्शन नहीं दिए, आखिर में उन्होंने कह दिया कुछ भी कोई ना, परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार है कोई नहीं। पलट दिया उस निरंजन ने देख कर, जिसको निराकार भगवान कहते हो, जब पहुंच ना हुई निराकार हो गया, योगी आर लिए स्वयं सरार कमल तक भटका दिए करके दर्शन, वाह 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 वाह, ओहो हो हो, अब बस पहुंच गए ब्रह्म लोक में, आनंद काटे मौज मार रहे से, वहां पर नाचने गाने सारे कुक्रम जो यो मनु जहां जाता है वहां इससे बढ़िया मिल गए, वहां करके अपना कर्म कुमाई ने खत्म, और 84 में फिर धक्के काम। ये तीनों चेला बटपारी, ये तीनों चेला बटपारी। सिरजे पुरुषा सिरजी नारी, खोखापुर में जीव भुलाए। स्वप्न विस्त वैकुंठ बनाए, यो रहट का कुआ लोई। आगल बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा। हर हर डोर बंधे कई बारा, अरब अलील इंद्र है भाई। हर हर डोर बंधे सब आई, शेष गणेश महेश्वर ताई। हर हर डोर बंधे सब आई, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष गणेश ताई। मिनो के इन्हें चक्र कटवारा के सारेंगे। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोर बंधे कई सब खेवा। रेट, रेट कैसे देखा है बच्चा नहीं देखा होगा, एक कुआ होता था बहुत चौड़ा सा, और उस वेल में कुएं में एक चैन होती थी बाल्टियों की, बैकेट्स होती हैं बाल्टी, उनकी चैन होती थी, और वो ऐसी लंबी चौड़ी चैन थी कि नीचे पानी में जाती थी, सैकड़ों फुट लंबी, और काफी लंबा उसका वो आकार होता था, जो फिरकी उसके ऊपर के वो घूमना करती थी। नीचे से पानी भरकर लाती थी, ऊपर उस चैन के फिरकी के ऊपर का उस चक्कर के ऊपर का आकर अर्नोन एक तरफ न खाली हो जाती थी, और फिर नीचे जाती थी, फिर भर जाती थी, फिर ऊपर नीचे आ जाती थी। इसी प्रकार कहते हैं, यहां तो मेहनत करके पाप पुण्य इकट्ठे कर लिए, और स्वर्ग में और नरक में खाली हो जाए, और फिर यहां पर बाकी वह खड़खड़ खड़खड़ 84 में रहेगी, वो बाकी जो ब्रह्म माटी है वो 84 यहाँ की नो की नो। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वपन बस स्वपन व्यस्त वैकुंठ बनाए। इस खोखापुर में जीव बुला दिए, खोखा यानी नकली, ऊपर तो सुथरा भीतर कुछ नहीं, ये शरीर देख लो ऊपर तक के सुंदर लग है, और इसका कुबाड़ देखो भीतर तेन तो कुत्ता मरिया देखो सड़क का ऊपर है, देखा नहीं था इसकी तरफ। तो ये खोखा ऊपर तेन लीप दिया सुंदर रंग ते, और सबका एक सा अड़ंगा इसमें भर के अन्य कई तरह शरीर हो गया। ये खोखापुर बताया संतों ने, खोखापुर में जीव भुलाए, सोपन
और व्यस्त वैकुंठ बनाए। ये सोपन से हैं स्वर्ग में, जैसे हम यहाँ आए हुए हैं मनुष्य शरीर का, जिस दिन ये छूट जाएगा सोपन हो जाएगा, स्वर्ग में गए, स्वर्ग का पीरियड पूरा हुआ, समय पूरा हुआ, उसके बाद वो भी सोपन हो जाएगा। सोपन व्यस्त वैकुंठ बनाए, खोखापुर में जीव भुलाए, सोपन व्यस्त वैकुंठ बनाए, यो हरहट का कुआ लोई यागल बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंदर और अवतारा हर हर डोर बंदे कई बारा, अरब अलील इंद्र हैं भाई हर हट डोर बंदे सब आही, शेष महेश गणेश्वर ताही हर हट डोर बंदे सब आही, शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा हर हट डोर बंदे सब खेवा, कोटक करता फिरता देखा हर हट डोर कहूं सुन लेखा। लोगे करोड़ों भगवान थरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर विष्णु जैसे ये राम और कृष्ण लोगे करोड़ों बटमते देखे हमने यहाँ पर, 30 करोड़ रामा अवतारी और सीता संग्रहण तिनारी, 30 करोड़ तो राम अवतार हो लिए और 7 नील कृष्ण जी के हो लिए, नील ये शंख पदम नील, 7 नील चक्कर यानी जन्म ब्रयान माटी भगवान विष्णु कृष्ण की हो ली। तो कहते हैं कोटिक करता फिरता देखा हर हट डोर कहूं सुन देखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहां वे हर हट डोर बंदे सब आवे, ये 4 भुजा के भगवान को आवे, इस राइट की डोरी दिए बिना वचन दिए काल में, ओए होए चतुर्भुजी भगवान कहां में हर हट डोर बंदे सब आवे, ये है खोखापुर का कुआ इसमें पड़ गया सो निश्चय मुआ, जो इस खोखापुर के जेरे में अमृत मंडल में 21 ब्रह्मांड में जो फंस लिया वो भाई इस साधना से तो बच नहीं सकता जो तुम कर रहे हो, और बचन का तरीका है तो इस बंदी छोड़ कबीर साहब की शरण में आओगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइए, इनके मारे विचार सुन ले भाई, इन पांचवा ने मिलकर ये सारा परपंच रत रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश माया अष्टंगी और निरंजन भाई इनका पिताजी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइए, अब पकड़ लो इस बात को, कहीं ये समय बार बार नहीं मिलेगा, इन पांचों मिल जीव भटक, इन पांचों मिल जीव अटकाए, जोगुन जोगुन हम आण छुटाए, इन पांचों ने ये जीव यहाँ उड़ जा रखे हैं और हमने युगा युगा आके जिन्होंने मेरी बात पर विश्वास कर लिया उनका बेड़ा पार कराया, यहाँ तो ठाठ करे इतना उनके कई पीढ़ी ताई की मौज करूंगा और वही पार करूंगा जब सतलोक ले जाऊंगा, इन पांचों मन जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आण छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम अदर अमर है अस्थिर ठामम, क्योंकि हमारा नाम बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ काल की बंधते इस कैद तो छुड़वाता हूं मैं, इसलिए मेरा नाम बंदी छोड़ है, और हमारा ठाम ठाम कहते हैं स्थान को, अजर है अमर है स्थिर है, जो जले नहीं मरे नहीं नाश में नहीं आवे उसको अजर अमर स्थिर, वो हमारा स्थान यानी सत्यलोक है। बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, इतना को तो राना पाया जम कह बंदे प्राणी, ये बंदी छोड़ ये पीर और पैगंबर और कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी, इन तो वो रानी पा ये काल का बंदे प्राणी, ये सभी साधना ये काल निरंजन तक की कर रहे हैं, उनकी भाषा बदल रहे हैं बस, और कुछ नहीं, कोई हैवन कह दे और उसने स्वर्ग कह ले थे विस्त कह लो एक बात सर, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुरनर मुनिजन ज्ञानी, एता को तोरा ना पाया जम कह बंदे प्राणी, धर्म राय कह धूमा धामी जम पर जंग चलाऊं, और जोरा को तो जान न दूंगा बांध अदल घर ल्याऊं, काल अकाल दो हूं को मोसू महाकाल सिर मुंडो, अब अपनी हिम्मत दिखाते बंदी छोड़ इस काल ने महाकाल ने, और दोनों का पकड़ के कहते इनका बकल तारू में, अगर मेरी नियम पर जो प्राणी रह जाएगा, अगर नियम भंग करोगे फिर कि तमरो कुएं पड़ गए फिर मेरे बस का नहीं, काल अकाल दो हूं को मोसू काल महाकाल सिर मुंडो,
मैं तो तकत हजीरी अजूरी हुक्मी चोर खोज को ढूंढूं, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ज्योत स्वरूपी भया निरंजन मोए करता भाई। जो कही निरंजन ने कहा मैं भगवान से यहाँ पे, और भगवान का इसने कति नाम मेट कर रखा। जो सतपुरुष है, पूर्ण परमात्मा है, कुल धनी जो कुल का मालिक एक कौन है, वो पूर्ण ब्रह्म भगवान सतपुरुष है। मुल्ला माया जग में, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ज्योत स्वरूपी भया निरंजन मोए करता भाई। सेंस अठासी दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी, एता में जमका तलबाना चलिए हन पुरुष के सोरी। सेंस अठासी, 88,000 ऋषि हैं और मुनीश्वर ये सब कहते हैं उस काल का बंदे बैठे हैं। काल ने इनको एक ऐसा स्थान दे रखा है वहां पर अपना मौज मारे से, और जब इनका वो समय समाप्त हो जाएगा नरक के मां ठोक देगा। सेंस अठासी दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी, एता में जमका तलबाना चलिए पुरुष के सोरी। मुल्ला का ता माथा दागू सतकी मोर करूंगा, पुरुष दीप को हंस ले जाऊं जरा न रोकने दूंगा, सतलोक में ले जाऊंगा। और दर्रा के हैं रास्ते ने घाटी है होती है न बीच में, इन सब का बीच में होगा, इनके अंदर से ले जाऊंगा और इनको वो रास्ता में रोकने नहीं दूंगा, अपने हंस में गेल लेकर शब्द रूप में साथ रहूंगा अपनी हंसात्मा। हम तो बंदी छोड़ कहा वहां धर्मराय है चकवे, जो धर्मराज निरंजन तो हमारा नौकर है और हम बंदी छोड़ कहलाते हैं। शतलोक की सकल सुनावा बाणी हमरी अखवे, 9,00,000 पट्टन ऊपर खेलूं सादर रे को रोको, द्वादश कोट कटक सब काटू संस पठाऊ मोखू। पूर्ण मोक्ष शतलोक में होता है, मोक्ष यहां भी है, उस समय के लिए मोक्ष है, वो अस्थाई मोक्ष है, अस्थाई स्वर्ग सुख है, और पूर्ण मोक्ष को कहते हैं मैं प्राप्त कराऊं। द्वादश कोट 14 भवन गमन है मेरा, जल थल में सरबंगी, खलक 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 में खेल अवगत अचल अभंगी। अगर इल चक्कर है मेरा जिसे हम चल आए, पांचों पर परवाना मेरा बंद छुटावन जाए। इन पांचों के पांचों महाशक्तियों के ऊपर मेरी प्रभुता है और मैं बंद छुटावन खातिर यहां पर आया हूं। जहां ओंकार निरंजन नाही ब्रह्म वेद ना जाही, जहां करता नहीं जान भगवान, जहां ओंकार निरंजन नाही ब्रह्मा वेद ना जाही, जहां करता नहीं जान भगवाना, काया माया पिंड नहीं प्राणा, पांच तत्व तीनों गुण नाही जोरा काल दीप ना जाई, अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहां, अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहां। बंदी छोड़ने बोले वह धर्मदास है, अमर करूं यानी जन्म मरण का बीमारी कति काट दूं और सतलोक ले जाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। काल के बंद से जीव को छुटवा के सतलोक ले जाता हूं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। कबीर साहब निरंजन के साथ जो बातचीत हुई, निरंजन से जो रोड़ा बना झगड़ा हुआ राड़ हुई, निरंजन ने फिर हाथ जोड़ लिए बंदी छोड़ के आ गए, तो वहां से सतपुरुष चल पड़े। सबसे पहले ब्रह्मा के लोक में आए, ब्रह्मा के लोक में आए, ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा तुम भाई गलत साधना कर रहे हो, जो सब पहली बार आए उस समय का जिक्र है, तुम गलत साधना कर रहे हो और परमात्मा और है भाई, जिसको तुम मालिक समझ रहे हो ये तो काल है। ब्रह्मा ने बहुत प्रेम से बात पूछी, क्यों विद्वान थे वो, और महाराज जी ने उनको बड़ा अच्छी तरह समझाया। एक बार इतना प्रभावी हो गया सतगुरु महाराज के ज्ञान तय, महाराज जी कहो तो आप कति ठीक सो, यहां पर मेरा भी भरोसा कोई ना, क्योंकि उसको मालूंगा मेरी 100 साल की आयु है और अन्य प्राणी भी सब मरते रहते हैं, वो चक्कर तो जरूर सा जी, पर किधर शास्त्र में मुझे नजर नहीं आया। बंदी छोड़ने बोले शास्त्र में भी है, वेद में है भाई, वो बताई जगह के ऐसे ऐसे लिख रखा। हमारा जी बात तो आप ठीक हो सो, फिर कैसे इसका समाधान हो कि नाम ले लो मेरे तय, हमारा जी नाम तो ले लू और मन भी करता है
लेकिन इसका प्रमाण कितना और तो नहीं मिलता जो आप बता रहे हो। नो बोला भाई प्रमाण किस कैसे होता है? शास्त्रों से प्रमाण होता है, और शास्त्र मैं कहूं तू लिख ले और ना लिखा लिखा दू। बंदी छोड़ने कहते हैं कबीर साहब ने एक बार एक राजा ने एक मंत्री को सजा दे दी, उसने निकालना चाहा था, और वो था धार्मिक व्यक्ति। यो बोला एक गाड़ी खाली बहिया की वर्दी, खाली बही प्लेन पेपर, अनु बोला इसने लिखवाला शाम तक, और लिख लियागा तो तेरी नौकरी है, नहीं तो तेरे बच्चा समेत पीट दूंगा को लूमा। ऐसा होता था परिस्थिति। रोता हुआ जावस है परमात्मा तू किता हो तो आज मेरी मदद करिए, मेरे बच्चे मारे जाएंगे। कबीर साहब आ रहे हैं, क्यों रोवा भाई? महाराज जी के बताऊं बस मेरे दुख न को मेटनी आनी आज जुलम होगा मेरे घर पर। रखे मैं बात तो बता, अग्नोर नो राजा ने शर्त ला रखी है, बस महाराज जी आपने बस कह दी मेरी जान निकलन वाली। दो गले रहे थे बंदी छोड़े, एक मारा भैया कह अगदे खोल कहने सौरिया ने, वो देखो सारी लिख रखी, सारी कबीर बाणी बंदी छोड़ने सारे शास्त्र वेद और कीर्तन सब कुछ लिख कर दी। नौकर कर्तर जान हो गए वहां से दिखे को, और वापस आकर राजा का आगे दर्दी कहने लगे किस पर लिखवाई? अग्निर ने कोई महात्मा था बरौनता जाऊं था, उन्होंने ऐसे कर दिया। राजा भी डर गया भाई कदे वो तन्ने भी गड़ दे। वो बोला रे आ रहा भाई फिर तू तो कसूती चीज कर लिया। तो महाराज कहते हैं तू जो चाहे सो करवा ले भाई। उन्होंने बोला जी नाम दे दो, नाम दे दिया, ओम मंत्र दे दिया ब्रह्मा जी को, क्यों उसने वेदों में ओम का ज्ञान था, ओम तो ऊपर मंत्र नहीं माने था। इसके बाद कहता एक नाम और दूंगा तेरे को सतनाम, और फिर सार नाम भाई, पर इसकी कमाई छक्का कर लेना, इतना मैं उल्टा हूं अगली जुम्मन डटके करूंगा। फिर विष्णु जी के पास आते, कबीर साहब ने न सोचा था जाए ये मान के ना मेरी बात ने यह पर ढिंडोरा पीट देंगे फिर। तो विष्णु जी दोहराए, विष्णु जी ने बड़ी प्रेम से बात सुनी और महाराज ने उसको भी नाम दे दिया, उनको हरियम नाम दिया। और लक्ष्मी ने भी गेल ले, उधर शास्त्री ने भी साथ ही नाम ले लिया था ब्रह्मा के ओम मंत्र। और फिर आए शिवजी दोहरे, शिवजी ने उनकी विशेष आदर किया क्योंकि वो भक्ति भाव में बहुत ज्यादा हैं, बड़े गणों को आगे लगा दिया, उनकी जय जयकार करता हुआ अपने धाम पर ले गया अपने घर पर, संत का आदर किया। नंदी छोड़ने से बताया भाई ऐसे ऐसे भगवान कोई और है, और जिसने तू खोज रहा है वो निरंजन भी ना पा लिया तुझे, इससे ऊपर एक और परम शक्ति है जिसने सारे यहां पर ओवरऑल कंट्रोलर है, और ये जो निरंजन है ना ये सब जीव ने मार मार खावस है, और तेरी ड्यूटी ला रखी है इन सब को मरवाण की, पाप का भागी तू। महाराज बात तो न्यू की न्यू है, या हमारा भी समझ में नहीं आ रही क्यों तो हम इन मारे और क्यों इन पाला है मेरा, बड़े बड़े बाला भाई पालन की ड्यूटी ला रखी है, और उससे बड़े की ड्यूटी ला रखी है कि इनका शरीर बना दे। बोला भाई यह बड़ी कहानी से सुने तो बता दू। महाराज ने यह सारी गीत गा दिए भाई, नो सतपुरुष था हम नो थे तुम वहां थे ऐसे आए, इसने धोखा कराया थारे साथ ले आया, और भाई इसी गलती कर दी इसको श्राप लग गया, इब इसकी मजबूरी होगी गलती कर बैठा। तो नाम ले लिया भगवान शिव ने, शिव जी को कबीर साहब ने नाम सोहम दिया साथ पार्वती ने। अर्जुन बोला जी तुम्हें सतनाम फेर दूंगा, इसकी डट का कमाई कर लो। मंदी छोड़ भगवान फेर गए दोबारा, उसके बाद ब्रह्मा का भी बुद्धि फेर दी निरंजन ने, ये मान के ना तीनों फेर मेरे हाथ सारे प्राणी गए, अंदर इतना दबाव दे दिया उनके के जैसे अपने मन मन संकल्प विकल्प लेके कुछ नहीं दराइय बनाता कि शास्त्र मना के तो और नहीं बकाओ से एक बात असर हो जाए प्राणी का। अब यहां से जाओगे काल फिर बुद्धि बदल देगा ग्रह घर जाते ही, कोई मातार मसानी नो कि नुदरी पाऊंगी ग्रह। इसी प्रकार काल करता एक बार स्वीकार कर लेता प्राणी, क्योंकि आत्मा की खुराक है ये परमात्मा उस आत्मा का पिता है। इसकी बात बहुत प्यारी लागे, सच्चाई के से परिपूर्ण है। तो नहीं वह तीनों नाट गए अग्ना महाराज ये कि देखो शास्त्र में तो आपने मिला नहीं, और ठीक आप भी को आप भी की सच्ची है मानते नहीं गलत है, लेकिन इतना ठीक हो रहा था काम अपना, हमने अपना करण दो काम, नाराज भी नहीं हुए और करे भी नहीं सतगुरु को, ऐसे ढंग से उनको टाल दिया। महाराज जी जान गए धर्मदास
मैं जान गया कि काल में तीनों की बुद्धि फिर बदल दी, अब ये नहीं मानेंगे। तो वहां से फिर मैं आ गया भवसागर में। कैसे आया कलयुग में बताता हूं। कबीर साहब विक्रमी संवत 1455 जेठ मास की पूर्णिमा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से आके, सतलोक से एक आकाश से प्रकाश का गोला आया। प्रकाश का गोला जैसे एकदम इतनी रोशनी आई ऊपर तय, जैसे तारा सा टूटा करे, पर तारे की चमक थोड़ी हो सो उसकी तो बहुत ज्यादा आई। आकर के लहर तारा तालाब काशी में बनारस में, उसने पुराना काशी स्थान से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर वो लहर तारा तालाब, जिसमें गंगा का पानी लहरों द्वारा उछलकर उस पटड़ी पर तय और वो निर्मल जल से वहां काफी क्षेत्र, जो झील का क्षेत्र था वो काफी 5-5-6-6 फुट पानी उसमें भर गया था, 7-7 फुट, उसको लहर तारा तालाब कहते थे। तारा स्थान है वो, लहरों से पानी आने के कारण उसको लहर तारा तालाब के नाम से पुकारा जाता था। इससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको, वहां आके इन्होंने कमल के फूल पे एकदम रोशनी आई, वो प्रकाश पड़ा और वो प्रकाश जब हुआ उसमें तो उस सारे तालाब के एक एक कमल के फूल के पत्ते पत्ते गिन ले, इतनी रोशनी होगी। उसी समय कहते हैं एक अष्टानंद नाम का रामानंद जीओं का शिष्य ऋषि अपना सुबह सुबह भजन कर रहा था, ब्रह्म मुहूर्त में जाके नहा धोकर उस तालाब में और एक टीले से वह बैठ गया। उसने साधना करने की कोशिश की थी, इतने में ऊपर से जब रोशनी आई ना, उसका एकदम वो ध्यान डाइवर्ट हो गया, बदल गया, उधर देखा अब यूं किया आया भाई, और फिर आके वो सौर तालाब तो जहां उस एक कमल के फूल पर वो पड़ा और उसकी रोशनी सारे को फैल रही और फिर वह रोशनी समाप्त होगी, और उसने आभासा हुआ कि जैसे कोई बच्चा सा दिखा, पर वो आंखों में एकदम इसी चमक लगी कि फिर कुछ ना दिखा, जैसे वेल्डिंग सेट से एक बार आंखें गए कि मैं चमका लाग गया, आध घंटे तक वो दिखे कौन कुछ भी। तो वो वहां से उठकर आ गया, अब यो अनोखा ऐसी घटना घटी है और गुरुजियों में पूछूंगा अगर जाके कि महाराज ये की कहानी से। आश्रम में जाकर अष्टानंद तो आश्रम में आ गया, कहा महाराज जी ऐसे ऐसे मन चमत्कार देखा। रामानंद जी कहने लगे, वो योगी पुरुष थे और ब्रह्मा विष्णु महेश के साधक थे। रामानंद जी कहने लगे, भाई के बताऊं अष्टानंद, ऐसे जब चमत्कार होते हैं ऊपरले लोग कहते हैं कोई अवतार शक्ति आती है और भाई वो आकर के यहां अपना किसी ना किसी मां के गर्भ में अपना गर्भ धारण कर, मतलब शरीर धारण कर लेते हैं और कुछ दिनों में देख लेना यहां पर चमत्कार होया करेंगे। उन्होंने जितना ज्ञान था उसी प्रकार बताया, इतना जरूर बता दिया कि ऐसे चमत्कार तभी होते हैं जब कोई ऊपरले लोगों से पूर्ण शक्तियां आती हैं। अब नीरू निमा कौन थे, ये गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे, भगवान शिव के तगड़े उपासक थे, लेकिन उसमें मुसलमानों का राज्य था, मुसलमान जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना दिया करते थे और उसको पहले पकड़ते थे जो ज्यादा धर्म प्रचारक था, और वो शिवजी भगवान की कथा घर घर में जाकर किया करते थे। तो मुसलमानों ने क्या किया, उन दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपना पानी पिला दिया जबरदस्ती पकड़ कर मुंह, और सारे का पानी छिड़क दिया उनके घर में अपना, और उस दिन से उनका नाम बता दिया कि तेरा नाम नीरू और तेरा नीमा, आप बनागे। उधर से ब्राह्मणों ने पंडितों ने उनको जात से घेर दिया कि तुम ब्राह्मण मुसलमान बन गए, भले पुरुषा ने उनकी चाहिए तो मदद करनी थी, ये तो मजबूरी बेचारे की कोई जान के किया इन्होंने, गंगा में नुआ के फिर हिंदू बना लेते, जब गंगा से उन पानी पिया दिया मुसलमान बन गए, हम गंगा को पवित्र मानते हो आप लोग, गंगा बनवा के हिंदू बना लेते, नहीं उसके उल्टा काम कर दिया कि तुम्हारी जात तुम्हारी जात से गिर गए, ओका पानी बंद और गंगा में नहीं नहाओगे,
क्यों? और जो विद्वान थे उनकी रोटी रोजी मार रखी थी उन्हें, क्यों? सबसे एक नंबर पे थे काशी में, वो दूने उन बड़ी बड़ी आत्माओं को दूना उल्टा ला दिया रहा सके, इनको बड़न भी ना जाना घर में तुझे थर कथा कर दे वो पैसे के चक्कर में, वो दूने डबो दिए। अब उन्होंने हार का कोई रास्ता ना दिखा, साधना करते रहे वही मुसलमानों, आप मुसलमानों वाली नहीं करी भाई, मारे मन तो कौन काट देगा, इतने जबरदस्ती आगे दबाते हमने कोई कुछ भी बना दो, पर जो मन में लगन से उसने कौन मेट दे, अपनी वही साधना अपने मन मन में वो करते रहे, भगवान शिव की साधना करते। और भाई उनका वहां गंगा में नहाना बंद कर दिया, अब स्नान के लिए उनका रोज की आदत बनी हुई थी, उन्होंने सोचा वो लहर तारा में नहा आया करेंगे, शहर की शहर हो जाए और वह गंगा का पानी वहां से, वो बेचारे वहां नहाने की खातिर जाया करते थे। जब जिस दिन सतगुरु महाराज वहां पर आए 1455 विक्रमी संवत और सन 1398 जेठ उतरते की पूर्णिमा के सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो दोनों जड़े बखतन जाया करते, बहुत बखतन दे रहे, वहां तक पहुंचे तो जन ऐसा हो गया कि चांदना होने में कुछ समय था, घंटा डेढ़ घंटे सूर्य निकलने से पहले, आध पौन घंटा पहले तो वैसे रोशनी हो जाती है, लेकिन उससे पहले अंधेरा ऐसा होता है, ना अंधेरा होता ना चीज साफ दिखाई दे। उसने नीरू नाली नीमा पहले नाली, वो कपड़े बदल रही थी और नीरू नान लग गया, अब इतने में वो रोशनी से, क्यों सुबह अंधेर चांदना जल्दी जल्दी हो जाता है, उसने देखा एक ऐसे कोई चीज हलती दिखी किनारे से लगभग 100 फुट की दूरी पर, उसने देखा कि कुछ चीज ऐसे फड़फड़ा रही है, उसने सोचा कोई नागनोग ना हो, डरती ने बेचारी ने क्यों औरत ड्रैग नहीं करे, उसने जान से देखा, एक दो पैर न्यूजा, उसने सोचा कोई सांप है, फिर दूसरा गया, फिर इतनी देर में और रोशनी सी हुई, उसने देखा तो बालक से और तो और ध्यान से देखती है तो लड़का है, कमल के फूल पर बालक है, मेरे ख्याल में 100 ग्राम वजन ना हो, टफ कमल के फूल पे है और वो परमात्मा कमल के फूल पे है, सतपुरुष आकर बच्चा का रूप बना लिया। तो वो अपने पति से कहती है जी देखियो देखियो, अके हो गया, अग देख लड़का लड़का लड़का, क्यों बच्चा, उसने बेचारी ने ईसा डर लगा कदे डूब जा साइड देसी बालक, छोटा सा बच्चा है, बच्चा डूबेगा इसको ला उठा के, और नीरू कहने लगा बावली होगी बावली पागल हो जाएगी, क्यों उनका संतान नहीं थी तो पागल हो जाएगी, तने सपने में लड़के दिखने लाएंगे, मैं बोले जी साची कहूं एक बार देख चले, जब अक्ति करड़ी होगा बोली ना जी डूब गया, उसने फिर जानते क्रिया पागल तो नहीं होगी, और सामने देखा है वो लड़का बिल्कुल कमल के फूल पर एक पैर पानी में मारा से ऊपर उठा रहा था, अब वो भी एकदम साची रहा भाग लिया उसमें और जाकर उसको कमल के फूल समेत तोड़ लिया और नीमा को नीरू को पकड़ा दिया, नीमा को तो नहा दो का बाहर आया, और इतने में जब उस परमात्मा को उस नीरू ने नीमा ने और छाती का ला लिया, अब जैसे जलते हुए का बर्फ ला देना, इतनी शांति उस परमात्मा को छाती के लाने से उस माई को होगी, और इतना आनंद आ गया जैसे बिराना केप आ गया उसने, लाल पा गया कि हीरा पा गया कि बिरानी केप आ गया। उधर से वो नीरू ने जब कपड़े बदले चालन लगे, वो कहने लगे उसके मन में फिर वो विकास डर बढ़ गया कि पहले तो हमारे को वहां के लोगों ने मुसलमान बना दिया धक्के थे, और जब लड़के ने ले जाओगे उन्होंने क्या के उपद्रव करेंगे, कोई कहेगा किसी का चोरी ले आए, कोई कहेंगे किसी का था ले आए, हमने कूटेंगे पहला तो क्यों हम कित बताओगे कितने लाए थे, और वो गढ़ेंगे अब तुम जरूर लाए से उठा कर मन राजा को भी दे दे हमारी की शिकायत, और हमने यहां से कति देश निकाला ना मिल जा या कति खत्म ना कर दें। उन्होंने बोला भगवान इस नाड़े दर दे नू का नू समेत तक फूल काड़े दर दे ऊपर जोड़े पे और अपने घर न बोले किसके लाल खिलाओगी अड़ जानते भी जाओगी। नो बोली जी मेरे पति दरिया नहीं जानता, अब मैं नहीं रख सकती इसको ना बेरा इसमें के सकती है, मेरा तो मन मोह लिया ही ना, और मर सकती हूं पर स्थौर्य नहीं छोड़ दो। नीरू ने उसका दो ऐसे थप्पड़ ठाया मारन खातिर, बनाऊ लो रे आड़ी दरिश नाड़ है,
हवा के एक बेचारी तन कहते मंदी छोड़ बोले कबीर साहब के निरो तेरे लिए आसू मैं तुम्हारे लिए और सतलोक तुम बहुत दूर था आसू मुझे ले चलो और कोई कुछ ना कह तुम्हें चल ले लेकर चलो। और वो डर गया कहते यू के मोरा फरिश्ता और तेरी बिरान मैं ठीक कर दे। वो डरता ने बोला चल भगवान ले चल आगे जी। यहां गरीबदास जी महाराज लिखते हैं जब वो लड़का घर में आया दुनिया देखने आ गई कोई तो कर ठा के लिया इसे कोई कचोरी कर लिया और जो भगवान आत्मा थी वो लड़कियां बहन बेटी भाई जो देखे भाई तो भगवान दिखाई दे सह किसके ठाक लिया कोई कह देव दिखे से कोई कह ये तो फरिश्ता दिखे है कोई कह ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार एक दूर होगा। और कहते हैं खुद ऊपर से देवता कह रहे हैं ये तो भाई के मैं और शक्ति दिखा है यो देवता मत कोई ना। अब क्या हुआ कि चार दिन हो गए बच्चे ने और दूध पीवे ना मुंह कलावे कति मुंह बंद कर ले और पच ले मुंह खोल लेना। चौथा दिन जब हो गया तो वह नीमा बैठ कर रोन लागी इतनी रोई बैठ के न बोलिए भगवान हे परमात्मा हे ईश्वर मेरे जैसी नीच किस्मत भी किसी और की मत लिखी हो। प्रथम तो हिंदू तो मुसलमान बने और संतान रहित और यू एक बच्चा मिला यू कि मैं खाओ पियो को ना अब इसमें मोह हो गया यू मरेगा वे छह महीने इस खातर में मरूंगी इसके गिले मर लूंगी छह महीने में मैं नहीं जी सकती। इतनी जब उसने श्रद्धा उस लड़के में होगी तो कहते हैं शिव लोक से भगवान शिव जी आए शिव उतरे शिव पुरीते अवगत बदन विनोद तो आके उस लड़के को और गोदी में ले लिया छाती के गोदी में लेकर भगवान शिव कहता है हाँ आके कहने लगा माई क्यों रोए है तू एक साधु का रूप बना के आए थे पंडित मतलब ब्राह्मण सा ब्राह्मण जैसा रूप बना के कहने लगे माई क्यों रोए है तू अगमारा जी के रोऊ सो बस अपने कर्मा न रोऊ अके मैं बात भी बता अग भगवान ने एक तो यू बालक दिया अरे भी मैं खाता पीता को नहीं यू मरेगा और गेला मैं मरूंगी महाराज जी। तो देख कर लड़के ने गोदी में लेकर बोला माई यू मरण का कोई ना यू तो बिरा ना के प्रभु शक्ति है और क्यों डर रही है अग्ना जी बकाओ ना मने ये सुखी सांत्वना मेरा कोई ना असर करे क्यों उसने तो वो बच्चा ऐसा दिखे बस परमात्मा स्वरूप अच्छा यू करता है जो ऐसा दूध ना पीवे था तुम कहना चाहती हो अब कैसा पीवेगा उसको बताया नीरू को बुलाया कि नीरू न्यो करे बिना ब्याई बछिया लिया कुंवारी बछिया हो फटाफट लिया लिया कर बांध दी